तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। तो आज के वीडियो आपको बताने वाले 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, जो आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है मानसरोवर। तो मानसरोवर एक कहानी विधा है किसके द्वारा? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक, मुंशी प्रेमचंद्र, जो आपका DTSC एग्जाम होने वाला है। क्या दोस्तों? DTSC एग्जाम 2022 में, ठीक, 22-23 में। तो इसमें एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या आप जूनियर ग्रुप के हों, या आप मिडिल ग्रुप के हों, या आप सीनियर ग्रुप के हों, आपको सभी को देखना है इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को मिस कर दिए तो कोई सा भी क्वेश्चन छूट सकता है, मतलब छोड़ने वाले नहीं है, ठीक। तो दिवस मैंने कई वीडियो बना दिया है, दिवस और GK सीरीज, तो आप वहाँ देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या मॉडल पेपर मुझसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आप मुझसे लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगला है मेरा जीवन संग्रह। तो मेरा जीवन संग्रह एक आत्मकथा विधा है बियोगहरी, ठीक, मेरा जीवन संग्रह आत्मकथा है बियोगहरी द्वारा। फिर है मेरा परिवार। तो मेरा परिवार एक रेखा चित्र है महादेव वर्मा जी का। फिर है मेरी असफलता एक आत्मकथा है बाबू गुलाब राय जी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना एक ही वीडियो में आपको याद हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी नहीं, बस 4 या 5 मिनट तक बनेगी बस। मेरी यूरोप यात्रा, तो मेरी यूरोप यात्रा की यात्रा वृत्तांत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, ठीक, मेरी यूरोप यात्रा। फिर है मैलाचल। तो मैलाचल एक उपन्यास विधा है फणीश्वर नाथ त्रिपुरी द्वारा, मैलाचल उपन्यास है। फिर है मृगनयनी। तो मृगनयनी उपन्यास विधा है वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा। फिर यामा, तो यामा एक काव्य है, ठीक, महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। फिर है रश्मिमांसा। तो रश्मिमांसा एक आलोचना विधा है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है रश्मि। तो रश्मि एक काव्य है, ठीक, काव्य है महादेव वर्मा जी द्वारा। रश्मि रथी एक काव्य विधा है रामधारी सिंह दिनकर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एक निबंध विधा है बाबू गुलाब राय जी द्वारा। रेखाएं और रंग शासनमण है रेखाचित्र विनय मोहन शर्मा। फिर है रंगभूमि। तो रंगभूमि एक उपन्यास विधा है, रंगभूमि उपन्यास विधा है मुंशी प्रेमचंद्र। फिर है रेणुका। रेणुका एक काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर रति के फूल एक निबंध विधा है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रानी खेत की कहानी कथा है इंसान लाखा। लहरों के राजन नाटक है मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में। और जुट पीपल एक निबंध विधा है रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर है बीड़ा। बीड़ा एक काव्य है बियोगहरी जी का। शिक्षा संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इसके। फिर है श्रृंखला की कड़ियाँ हैं दोस्तों, ये शासमरण है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक। वीडियो का पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यार से कमेंट कर देना। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है अगले वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और चैनल को इस वीडियो को लाइक कर देना। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मुझसे वहाँ मॉडल पेपर ले लेना, क्योंकि मॉडल पेपर से एक नया क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों। कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिससे अगले बार एग्जाम हुआ था तो 4-5 क्वेश्चन सभी में आ गया था पिछले वाला, ठीक। तो आप देख लेना, मॉडल पेपर मुझसे ले लेना, फिर अवेलेबल, ठीक। वट पीपल निबंध विधा है रामधारी सिंह जी का। बीड़ा है काव्य बियोगहरी। शिक्षा संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी का है। श्रृंखला की कड़े जो है शासमण महादेव वर्मा जी के द्वारा है। श्रद्धा गद काव्य है बियोगहरी। फिर जो संगीत सांकुन तल है नाटक विधा है प्रताप नारायण मिश्र जी का। फिर संस्कृति के चार अध्याय निबंध विधा है रामधारी दिनकर जी का। अगर आपको अगर इस वीडियो में अगर रचना करना याद हो तो इस वीडियो को रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना, आपको पक्का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।